जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा हरियाणा से। आज के लाइव सेशन में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है बेनिफिट्स ऑफ अर्ली डिनर, जल्दी डिनर करने के फायदे। अक्सर क्या होता है, जब हम अपने क्लाइंट्स को डाइट चार्ट बना के देते हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि आपको डिनर जल्दी करना है, तो हमारा क्लाइंट हमें बोलता है कि मैडम डिनर जल्दी करने के क्या बेनिफिट हैं, क्यों जल्दी करना है। आप हमेशा ये बात तो बोलते हैं कि डिनर जल्दी कर लो, लेकिन हमें जल्दी क्यों करना है, क्या बेनिफिट्स हैं? तो आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि डिनर जल्दी करने के बेनिफिट्स हैं तो वो क्या क्या हैं। तो मैं ज़रा फ़ोन में चेक कर रही थी कि वॉइस आ रही है क्या। आज एक्चुअली पता क्या है, बारिश आ रही है और बाहर से काफ़ी नॉइस आ रहा है, बारिश का बहुत शोर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। अगर आप लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों को सुन रहा है। हेलो रश्मिता, कैसे हो? तो डिनर जल्दी के बेनिफिट्स को डिस्कशन अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, कि क्यों करना है डिनर जल्दी। सबसे पहला जो बेनिफिट है, इट मेंटेन्स योर वेट। डाइटिशियन के पास आपके वेट को लेके क्या कोई और इश्यू है या नहीं, कि ये आपके मेंटेन रखता है वेट को, कि आपने अगर डिनर जल्दी किया तो आपका वेट उससे काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। हेलो डीएम इंडिया, ये हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ये एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, हाय। तो आज जब हम आज का जो टॉपिक है डीएम इंडिया, वो है बेनिफिट्स ऑफ अर्ली डिनर। तो वो जो हम टॉपिक आज का क्लियर कर रहे हैं आप सबके साथ में, तो वो टॉपिक मैंने अभी स्टार्ट करना है। सबसे पहला जो मैंने उसका फ़ायदा आप लोगों को बताया है कि जल्दी डिनर करने से आपका वेट मेंटेन रहता है, ओवरवेट वालों का वेट बढ़ता नहीं है और अंडरवेट वालों का वेट घटता नहीं है। देन उसके अलावा हम लोग जैसे कि बात करें कि अगर जिन लोगों की गट हेल्थ अच्छी नहीं है, जिन लोगों का गट हेल्थ बहुत पुअर है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पुअर है, तो वो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को पुअर होने के बाद क्या रहता है कि उनका अगर खाना जल्दी हो जाता है और नेक्स्ट यानी कि जो नेक्स्ट मील होता है हमारे डिनर के बाद वो है हमारा ब्रेकफास्ट, तो क्या रहता है कि हमारे जो डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में एक अच्छा खासा गैप मेंटेन हो जाता है, जो बहुत ज़रूरी है, जिसे कि इंटरमिटेंट डाइट भी बोल देते हैं। तो वो गैप अगर हम रखते हैं अपने डाइट शेड्यूल में, अपने रोजाना के शेड्यूल में, तो हमारा बॉडी को हील होने का, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स को हीलिंग के लिए टाइम मिल जाता है। अगर हीलिंग के लिए टाइम मिल जाता है तो क्या रहता है कि अगर आपको हीलिंग के लिए अच्छा खासा टाइम मिल रहा है तो आपका हेयर फॉल नहीं होता है, आपका स्किन जल्दी से लटकता नहीं है, लूज नहीं होता है, आपका ग्लो मेंटेन रहता है और आपका आईज का विजन जो है वो ठीक रहता है। और जिन लोगों का डिनर बहुत लेट होता है, स्पाइसी खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, उन लोगों का क्या रहता है कि उनको जो है बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, जिसमें कि आप कह सकते हैं इनको लीवर डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं, हाइपरटेंशन
सकती है, थायराइडिज्म की प्रॉब्लम रह सकती है, पीसीओडी की दिक्कत हो सकती है, ओवरवेट की, अंडरवेट की, मींस कि टोटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अगर आपका लाइफस्टाइल ओके है तो आपको ये दिक्कत नहीं आती, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो आपको ये दिक्कतें सॉल्व रहती हैं। तो देन आपको करना क्या है अपने डिनर को। हेलो दीपक, कैसे हैं आप? हाय। तो ये जो आपका लाइफस्टाइल है, आपके डिनर, आपके लंच, आपके ब्रेकफास्ट, इन सभी मील्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने डिनर को बिल्कुल टाइम पे लेना है, डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में गैप को मेंटेन करना है। आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, उससे आपकी बॉडी को काफ़ी हद तक हेल्दी रख सकते हैं। देन उसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, एक तो देखिए आप खाना जल्दी खा लेते हैं तो आपको नींद प्रॉपर लेने की आदत पड़ जाती है, आप खाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 घंटे और जागेंगे। अगर आप खाना ही लेट खाते हैं, जैसे कि आपने खाना खाया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खाना खाया 7:30-8 बजे, तो आप 10 और 10:30 के बीच में सो जाएंगे। अगर आप खाना खा रहे हैं 10 और 11 बजे के करीब, तो आपका सोने का टाइम 1 से 1.5 बजे होगा। तो आपके लीवर को, किडनी फंक्शंस को, इन सब चीज़ों को हीलिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि आपने इतना सारा हैवी खाना और लेट खाया है, तो वो सब चीज़ें आपके हीलिंग के लिए टाइम ही नहीं देती। हेलो मिस्टर श्योरान, हेलो रमेश मेहता जी, हेलो नरसिंह जी, थैंक यू, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो आप इन सब चीज़ों के लिए आपको टाइम मिल जाता है। जैसे कि हर चीज़ को कहते हैं ना कि टाइम चाहिए, हर चीज़ के लिए टाइम चाहिए, ऐसे ही हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को हीलिंग के लिए टाइम चाहिए। अगर हम उनको खाना ही देते रहेंगे तो वो हर वक्त उसी डाइजेशन में, उसी के पाचन में लगे रहते हैं। अगर हम उनको बहुत लाइट सा और बहुत टाइम से खाना दे देंगे तो वो जो पाचन क्रिया है हमारी 3 से 4 घंटे में कंप्लीट होके, उसके बाद वो बॉडी को हील कर सकते हैं, आपके हेयर्स को वो नरिश रख सकते हैं, आपके स्किन को हेल्दी रख सकते हैं, आपके नेल्स पुअर नहीं होंगे, आपका जो ब्लेमिशिंग, पिगमेंटेशन, एक्ने, पिंपल्स, जैसे आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ को यहाँ पे बहुत सारे दाने दाने हो जाते हैं, कुछ को यहाँ नेजल पे एक्ने हो जाता है, कुछ को यहाँ फोरहेड पे भी बहुत सारे हेयर्स ग्रोथ होती है। अभी जैसे उन लोगों का बहुत बुरा हाल हो गया होगा, लॉकडाउन है 1.5-2 महीने-3 महीने से, अभी पार्लर्स बंद हैं, आपके फ्रीलैंसर्स बंद हैं, तो वो लेडीज़ ही आपको ग्लो करती नजर आएंगी जिनको पहले से भी पार्लर की आदत नहीं थी और अब भी वो पार्लर नहीं जाते, तो उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपको पार्लर खुला है या बंद है। इन सब चीज़ों से आपके फेस पे और आपके ग्लो पे कुछ खास, कुछ लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन उसके बाद एक जो सबसे बड़े वाला फ़ायदा है वो ये है कि सुबह उठने में मॉर्निंग सिकनेस होती है मोस्ट ऑफ द पीपल्स में, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम रात का बता दो, वॉक इवनिंग वॉक कर लेंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं होती है, सुबह उठने में दिक्कत होती है। अगर आपने डिनर टाइम पे किया हुआ है तो आपकी बॉडी पूरी रात भर बहुत लाइट रहती है, सुबह उठना आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, उठना आपको इजी रहता है, बॉडी लाइट लग रही है तो सुबह आपका उठने में कोई आलस नहीं है, कोई जनरल फटीग नहीं है, कोई किसी तरह का आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, आपको नींद बहुत अच्छी आने लग जाती है, आपकी नींद बहुत सूदनिंग हो जाती है, साउंड स्लीप लेते हैं आप। और एक आजकल जो है एसिडिटी और गैस्ट्रिक का ट्रबल भी बहुत लोगों को है, एसिडिटी और गैस्ट्रिक का ट्रबल जल्दी खाना खाने वालों का धीरे 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 कम होके, कट होके आपके बॉडी में से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके लिए आपको कोई एंटासिड, DSR, कोई आपको टैबलेट्स जैसे कि रेबिप्राजोल, रेंटिंडिन, आपको पेंटापेराजोल, एसिलॉक, ये कुछ भी नहीं लेने आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपका लाइफस्टाइल ओके है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, सच में। आप अपने खाने के अगर टाइमिंग फिक्स कर देते हैं तो आपको इसकी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी बॉडी फुल डे एनर्जेटिक रहती है। अब कुछ लोग सोचते हैं डिनर का टाइम चेंज करने से फुल डे एनर्जाइज होने का क्या ताल्लुक है? अगर हमारा डिनर टाइम पे है, हम सुबह टाइम पे जल्दी उठे हैं, हमारे सारे काम टाइम से हो रहे हैं, और वो सब चीज़ें जब हम टाइम से मैनेज कर रहे हैं, टाइम से उन सब चीज़ों को कर रहे हैं, तब आप देखते हैं जो चीज़ें हमारी टाइम पे होती है तो हमारा एनर्जी लेवल ऑटोमेटिक बूस्टअप होता है और हम लोग खुश भी रहते हैं। अदरवाइज माइंड में एक टेंशन चलती रहती है,
ये भी रहता है, अब तो ये भी करना है, ऑफिस भी जाना है, ड्रॉर सारा हौच पोच है, ये कैसे करूँगा, वो फाइल पेंडिंग है, ये चीज़ पेंडिंग है, कंप्यूटर तो हौच पोच ही है, इसको पता नहीं कब मेरी डिलीट वाली चीज़ों को डिलीट करने का ही टाइम नहीं है, फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई है, गैलरी भरी हुई है, इतने सारे वीडियोज़ हैं, पता नहीं कौन से वाले रखने हैं, कौन से वाले डिलीट करने हैं, व्हाट्सएप पे बहुत पोस्ट आती हैं, क्या करूं, परेशान हो गया हूं, लोग भेजते क्यों हैं, डिलीट करने का मेरे पास टाइम नहीं है। ये सारी चीज़ें तब हैं जब आपके बॉडी में आलस है, आपके पास टाइम बचता ही नहीं है, ये तब पॉसिबल है जब आपके पास टाइम बचेगा, आपकी बॉडी एनर्जाइज रहेगी, आप सुबह टाइम पे उठेंगे तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा और आप अपने वो सारे काम कर पाएंगे। तो सिर्फ इस एक मील को आपने प्रॉपर करना है, टाइम पे करना है और आपका पूरा शेड्यूल, ये चीज़ हमेशा थी कि हम पेशेंट्स को जब डाइट प्लान बनाते हैं, डिनर आपने टाइम पे करना है, डिनर आपने टाइम पे करना है, कभी भी मैंने ये चीज़, हाँ वीडियो में लाइव में आके मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये चीज़ हम लाइव में डिस्कस भी करें। पेशेंट्स बोलते हैं मैम डिनर, अच्छा जल्दी जल्दी क्यों, मतलब वजह क्या है, रीज़न क्या है, एक एक पर्सन टू पर्सन तो हम लोग बताते हैं, अब वो वजह क्या है, रीज़न क्या है, वो आज हमने यहाँ डिस्कस कर ली। जय श्री बालाजी। कमल अंकल जी कैसे हैं आप, ठीक है, बिल्कुल, बारिश आ रही है, एंजॉय कीजिए, पकौड़े शकौड़े जलेबियाँ जलेबियाँ, डाइटिशियन पकोड़े बोल रही है, हाँ वंसी ने ब्लू मून डाइटिशियन भी पकोड़े बोलती है, आप पकोड़े भी खा सकते हैं क्योंकि बेसन के पकोड़े हैं, बेसन भी हाई प्रोटीन है और सरसों का तेल अगर आप कच्ची घनी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, एनर्जेटिक है, एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर अगर हम वो सब चीज़ें लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकोड़ों को अगर सिंगल फ्राई किया जाता है, रीफ्राई ना किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल को सोक नहीं करते हैं, और उनको फ्राई करने के बाद अगर आप एक टिश्यू पेपर पे निकाल के उनको स्पॉन्ज कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे आपको। हाँ वंस इन ए ब्लू मून मीन्स आप 2 या 3 महीने में एक बार खाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज आज खा लीजिए। बारिश हो रही है तो पकौड़े तो पॉसिबल हैं खाने। तो और किसी का कोई सवाल अगर रहता है और कुछ पूछना चाहते हैं तो वो पूछ कमेंट बॉक्स में, जब भी मैं उन लोगों के सवाल को देखती हूँ तो मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ, मैं हमेशा आप लोगों से ही पूछती रहती हूँ कि न्यू टॉपिक्स आप ही मुझे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आप फेसबुक पे करें, आप इंस्टा पे करें, आप नए टॉपिक्स मुझे भेजते रहें ताकि मैं उन टॉपिक्स पे आपके लिए लाइव होती रहूँ, और वीडियो को आप शेयर करें, देखें खुद भी, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी दिखाएं, कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच, बाय।